आज मैंने स्वच्छता के ऊपर गांधी जी के विचारों को पढ़ा। जो कुछ भी आज हमारे गांव में हो रहा है उसकी भविष्यवाणी उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। अब देखिए ना, कहने को तो मल कचरा कूड़ा करकट है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही संगीन। स्वच्छता कोई आदर्श या नारा नहीं, ये प्राथमिक जरूरत है लोगों के जिंदा रहने के लिए। ये एक अष्टभुज की तरह है जिसका सर है गंदगी और इसकी आठों भुजाएं हैं इसके बुरे असर का प्रतीक। खुले में की गई शौच की समस्या को ही ले लीजिए। खुले में शौच करने से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, वातावरण दूषित होता है। गांव में टाइफाइड फैल रहा है। टाइफाइड? आंत्र ज्वर। ये दूषित पानी और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। ये सारी ऐसी कुछ वजह है जिनकी वजह से ये गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और तरह तरह की बीमारियां फैलाती है, जिसका सबसे पहला शिकार होते हैं हमारे मासूम बच्चे। ये रोगों को आमंत्रण देने का काम हमारे गांव वालों ने ही किया है। यही बात तो सबको समझानी है। जहां पर देखो वहां मल ही मल है। मेरा सवाल ये है कि क्यों आप लोगों ने गंदगी को ही जीवन का हिस्सा मान लिया है, उसे अपना क्यों लिया है? एक मछली समंदर में भी पलती है और गटर के पानी में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो गटर में जो मछली पलती है वो उस गटर को ही अपना घर समझ लेती है, लेकिन हम तो इंसान है ना। डॉक्टर स्नेहा, मेरी समझ में नहीं आता आपकी हर बात स्वच्छता पर ही आकर क्यों रुक जाती है। क्योंकि सरपंच जी, खुले में शौच जैसी बुरी आदतों की वजह से ज्यादातर बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए कहते हैं दिया तरे अंधेरा, खुले में शौच बीमारियों का डेरा। ये लोग कब समझेंगे कि स्वास्थ्य बीमारी को आने से रोकने में है, उसे झेलने में नहीं। ये दौर कब बदलेगा? पहले बीमारी से लड़ने के लिए कर्जा लो और फिर ठीक होने के बाद रसोई चलाने के लिए कर्जा लो और फिर कर्जे को उतारने के लिए कर्जा लो। हमारे ये हालात हमारे समाज में इतने स्वाभाविक क्यों माने जाते हैं बाबूजी? हमारा वार बीमारी के असर पर नहीं उसकी वजह पर होना चाहिए। डॉक्टर्स, गांव वालों और व्यवस्था को एकजुट होकर इस गंदगी को हमेशा के लिए मिटाना होगा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पानी को सुरक्षित स्रोत से प्राप्त करें। पौड़ी तालाब का पानी है बीमारी की निशानी। और एक बात, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देश के हर गांव में स्वच्छता का संदेश पहुंचा रहे हैं। करोड़ों लोग स्वच्छता के इस आंदोलन से जुड़े हैं। ये बात याद रहे, अगर हम सब साथ हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य की असली खुराक स्वच्छता ही है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखना बाबूजी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं इस देश का चेहरा बदल दूंगी।